हेलो एवरीवन, आप सबको मेरा नमस्कार। इस वीडियो के अंदर मैं बहुत ही सरल भाषा में आपको बताऊंगा कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या होता है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बनेगा तो इसके भारत के लिए क्या मायने होंगे और पूरी दुनिया के लिए क्या मायने होंगे, इस पर हमारी जो रणनीति है क्या वो सही है, और आपके विचार भी जानूंगा। तो ये वीडियो मैं आप तक लेकर आ रहा हूँ। माई नेम इज डॉक्टर गौरव गर्ग एंड आई एम अ फैकल्टी फॉर जनरल नॉलेज। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आपको जो विश्व का मानचित्र है, वर्ल्ड का जो मैप है, वो अच्छे से पता होना चाहिए। ये है मिडल ईस्ट का एरिया और ये है भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, और ये है वो देश जिनमें तेल बहुत ज्यादा है, जो ओपेक का हिस्सा है, यानी वो देश जिनमें तेल बहुत ज्यादा है और जो तेल का निर्यात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जिसको शॉर्ट में ओपेक कहा जाता है। इसमें ईरान, इराक और सऊदी अरेबिया, तीनों से हम बहुत ज्यादा तेल खरीदते हैं, खासकर सऊदी अरेबिया और इराक से। लेकिन ईरान से भी हम अब बहुत ज्यादा तेल खरीदने लगे हैं, खासकर पिछले 15 सालों में। ये जो तेल है ये जहाजों में भरकर इस एरिया से आता है। मैं इस एरिया को यहां पर दिखा देता हूं, ये है वो एरिया, हालांकि मैं इसको बाद में बड़ा करके भी दिखाऊंगा। और ये तेल के जहाज इस समुद्र से यहां ये रास्ता लेकर भारत में गुजरात और महाराष्ट्र पहुंचते हैं। गुजरात में कई बंदरगाहें जहां ये पहुंचते हैं, जैसे कांडला, मुंद्रा पोर्ट एक्सेट्रा, और महाराष्ट्र में नहावा शेवा, मुंबई पोर्ट एक्सेट्रा। तो ये वो रास्ता है जो भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान में ये है ग्वादर का बंदरगाह, ये है ग्वादर का बंदरगाह। यहां से लेकर एक सड़क बनाई जाएगी, एक रास्ता बनाया जाएगा जो पूरे पाकिस्तान को क्रॉस करता हुआ चाइना में कशगार तक पहुंचेगा। इसे नाम दिया गया है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। मैं रिपीट करता हूं, पाकिस्तान में ग्वादर से होता हुआ पूरे पाकिस्तान को क्रॉस करके और यह पहुंचेगा चाइना, इसको नाम दिया गया है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो इसको मैं बड़ा करके दिखाता हूं, यह है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, यह है ग्वादर का बंदरगाह, और यहां से यह रास्ता पूरा ऐसे जाएगा। हालांकि यह रास्ता सिर्फ सड़क का नहीं बना होगा, कई जगह यहां पर पहाड़ों को चीरकर गुफाएं बनाई जाएंगी, टनल बनाई जाएंगी, जिनमें से आसानी से यातायात हो सके। इसके अलावा कई जगह पर स्ट्रैटेजिक रेलवे स्टेशन भी बनाए जाएंगे, रेलवे की पटरियां बिछाई जाएंगी, क्योंकि कई जगह ऐसी हैं जहां पर रोड बनाना संभव नहीं है, और कई ऐसी जगह है जहां पर स्ट्रैटेजिक एयरपोर्ट भी बनाए जाएंगे। तो ओवरऑल आइडिया ये है कि ग्वादर को कशगार से कनेक्ट करना है। जहां पर रेल संभव हो वहां रेल बनाइए, जहां पर एयरपोर्ट संभव हो वहां एयरपोर्ट, जहां पर रोड संभव हो वहां पर रोड। तो टोटल इस सबको मिला के बोलते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ग्वादर से लेकर कशगार तक ये बलूचिस्तान से होकर गुजरेगा, फिर पाकिस्तान का जो पंजाब एरिया का कुछ हिस्सा है उससे होकर गुजरेगा, फिर फेडरली एडमिनिस्टर्ड ट्राइबल एरिया यानी फाटा से होकर को टच करेगा, और उसके बाद गिलगित बल्टिस्तान एरिया से होकर ये आगे जाएगा। ये जो गिलगित बल्टिस्तान का एरिया है, इसे कहते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। पाकिस्तान इसे आजाद कश्मीर कहता है और भारत इसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहता है। इसकी राजधानी है मुजफ्फराबाद, और उसके बाद ये एंटर करेगा चाइना में, कशगार तक ये जाएगा। तो जैसा मैंने बताया, ये पहाड़ी रास्ता है, यहां पर रोड बनाए जाएंगे, खूबसूरत रोड, लेकिन हर जगह रोड बनाना संभव नहीं होगा, इसलिए कई जगह पहाड़ों के अंदर गुफाएं बनाई जाएंगी, रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे, या फिर कई जगह एयरपोर्ट भी बनाए जाएंगे। अब ये जो एरिया है ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? जैसा मैंने बताया, ये मिडल ईस्ट का जो एरिया है, मैं इसे बड़ा करके दिखा रहा हूं, ये वो देश है जिनमें पेट्रोल बहुत ज्यादा होता है, ईरान, इराक और सऊदी अरेबिया। दुनिया में सबसे ज्यादा पेट्रोल है सऊदी अरेबिया के पास। इन देशों को हम कहते हैं ओपेक। ये वो देश हैं जो तेल का निर्यात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज यानी ओपेक। अब तेल के जो जहाज हैं वो गल्फ से होकर यहां ये समुद्र से होकर ऐसे आते हैं और क्रॉस करते हुए फिर ये अरब सागर की तरफ आते हैं। ये जो घुमावदार एरिया है इसे बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यहां से दुनिया का लगभग एक तिहाई ऑयल, एक तिहाई तेल इस एरिया से पास होता है, जहाज लेकर जाते हैं, दुनिया का एक तिहाई तेल। यानी इस एरिया को जो कंट्रोल करेगा वो दुनिया की लगभग एक तिहाई ऑयल की सप्लाई कंट्रोल कर सकता है। इस एरिया से जो तेल के जहाज हैं वो भारत आते हैं, बंबई और गुजरात, जैसा मैं बता चुका हूं, और पाकिस्तान भी जाते हैं। पाकिस्तान का ये जो पोर्ट है इसे बोलते हैं ग्वादर। पाकिस्तान का ये पोर्ट है ग्वादर पोर्ट। यहां पर पाकिस्तान
अपना जो तेल खरीदता है वो ग्वादर पोर्ट के थ्रू खरीदता है इन देशों से, ईरान, इराक और सऊदी अरब से। तो ये आपको याद रखना है, ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन चाइना इतना क्यों ग्वादर पोर्ट को पसंद कर रहा है, ग्वादर पोर्ट से कनेक्शन चाहता है पूरे पाकिस्तान को लेकर, आइए इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। चाइना ये 3000 किलोमीटर लंबा सीपैक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाना चाहता है जो ग्वादर को कनेक्ट करेगा काशगार से। जो काशगार है ये चाइना के अंदर है, जो जिनजियांग प्रोविंस के अंदर पड़ता है। जिनजियांग चाइना का हिस्सा है जहां पर काशगार है। 3000 किलोमीटर लंबा पोर्ट, इसको बनाने की जो लागत है वो है लगभग $46 बिलियन। $46 बिलियन इन्वेस्टमेंट करके बनाएगा चाइना सीपैक। चाइना इसे क्यों बनाना चाहता है, इसको समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम दुनिया की का जो भूगोल है, जो ज्योग्राफी है, उसे समझें। तो आइए इस पे नजर डालते हैं। ये जो गुलाबी कलर में आप देख रहे हैं ये है पूरा चाइना यहां तक। इसके बाद ये गुलाबी रंग का है पाकिस्तान। अब अगर चाइना को तेल खरीदना है, चाइना भी अपना मैक्सिमम तेल इन्हीं देशों से खरीदता है जिनसे भारत खरीदता है, जैसे सऊदी अरब, इराक, ईरान एटसेट्रा। चाइना को अगर तेल खरीदना है तो जो रास्ता है वो बहुत लंबा पड़ता है। ये रास्ता ऐसे है, यहां से गल्फ से होते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, उसके बाद अरेबियन सी, अरेबियन सी के बाद इंडियन ओशियन, उसके बाद ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, और यहां से ये होते हुए साउथ चाइना सी को क्रॉस करते हुए हांगकांग पहुंचता है तेल, या फिर चाइना में और आगे शंघाई पहुंचता है, या फिर और आगे जहां जाते हैं तियानजिन पोर्ट तक। तो आप ये रास्ता देख रहे हैं कितना लंबा है, यहां से ये जो रास्ता है ये इतना लंबा है, और ये चाइना के पूर्व में जाता है यानी ईस्ट। अगर मैं चाइना को डिवाइड कर दूं तो चाइना का ये है ईस्ट वाला पार्ट, पूर्वी पार्ट, और ये है पश्चिमी पार्ट। चाइना का जो पश्चिमी पार्ट है, यहां पर चाइना की सिर्फ 6% आबादी रहती है, और चाइना के पूर्वी पार्ट में 94% पॉपुलेशन रहती है चाइना की। तो यानी कि चाइना को जो तेल चाहिए, पहली बात तो वो चाहिए ईस्टर्न पार्ट में, क्योंकि 94% पॉपुलेशन यहां रहती है, और दूसरा ईस्टर्न पार्ट में तेल आना ही पड़ेगा क्योंकि वेस्टर्न पार्ट तक कोई समुद्री रास्ता है ही नहीं। इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। ये वो रास्ता है जब इंडिया को क्रॉस कर चुका है यानी इंडियन ओशियन को क्रॉस कर चुका है, और इसके बाद जो जहाज आते हैं वो इस एरिया में आते हैं, इसे बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ये आप नीचे देख रहे हैं इंडोनेशिया, ये हजारों टापू हैं जिन्हें मिला के बोलते हैं इंडोनेशिया। लगभग 17,000 से ज्यादा आइलैंड हैं, इन्हें मिला के इंडोनेशिया बोलते हैं, और इंडोनेशिया का ये बहुत फेमस आइलैंड है, इसे बोलते हैं सुमात्रा। सुमात्रा आइलैंड के ऊपर ये जो घुमावदार एरिया है इसे बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का, MALLACCA, मलक्का। ये मलक्का एरिया मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में से होके जाता है, और फिर ये जाता है इस समुद्र में जिसको बोलते हैं साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी को क्रॉस करते हुए ये जहाज पहुंचते हैं चाइना में हांगकांग, या फिर ऊपर की तरफ चाइना के ईस्टर्न प्रोविंसेस के अंदर। तो ये है पूरा रास्ता। अब ये रास्ता साउथ चाइना सी से होके गुजरेगा, कोई और रूट नहीं है, और साउथ चाइना सी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रहे हैं। तो देखते हैं साउथ चाइना सी में क्या प्रॉब्लम चल रहे हैं। इससे पहले मैं साउथ चाइना सी के बारे में बताऊं, जैसा मैंने बताया ये चाइना है, पूरा चाइना है। अगर मैं चाइना को डिवाइड कर दूं दो हिस्सों में, ये एक लाइन है जो चाइना में टैंगचोंग से लेकर अहुई तक जाती है, इस लाइन को बोलते हैं हुआनयोंग लाइन, और ये है चाइना का पश्चिमी हिस्सा वेस्ट, और ये है ईस्ट। तो इस लाइन को अगर मैं देखूं तो इसके ईस्ट में यानी इस एरिया में चाइना की 94% आबादी रहती है, और चाइना का इतना बड़ा हिस्सा यानी 50% से भी ज्यादा हिस्सा ऐसा है जहां पे चाइना की सिर्फ 6% पॉपुलेशन रहती है, ये है वेस्टर्न चाइना, जिसमें पड़ता है जिनजियांग प्रोविंस, और जो मैंने बताया था काशगार, तो काशगार जिनजियांग प्रोविंस के अंदर आता है। एक और बात, अगर मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लेते हैं कि अगर भारत और चाइना का युद्ध होता है कल, तो चाइना को अपनी जो आर्मी है वो ईस्ट से वेस्ट लाने में भी बहुत समय लगेगा। मैं अभी एक भारत के एक आर्मी मैन से बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझे बताया कि चाइना को अपने ईस्ट से वेस्ट तक अपनी आर्मी लाने में बहुत ही लंबा एरिया ट्रेवल करना पड़ेगा, और ये जो रास्ता है ये समतल नहीं है, यहां पर भी बहुत सारे पहाड़, डेजर्ट, ये वाला एरिया है जिनजियांग, ये बिल्कुल भी डेवलप नहीं है, ये अर्बन एरिया नहीं है। 6% पॉपुलेशन चाइना की रहती है सिर्फ इतने बड़े एरिया के अंदर। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एरिया किस तरह का है। अब मैं आपको बताता हूं कि साउथ चाइना सी में क्या समस्या चल रही है और चाइना इतना परेशान क्यों है। इसके लिए अगेन दुनिया का मैप देखेंगे, तो जैसा मैंने बताया जहाज चले यहां से, ये नीचे आए अरब सागर, फिर इंडियन ओशियन, और उसके बाद ये ऊपर की तरफ गए, फिर मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में से
ये गए और फिर गए इस एरिया में जिसको बोलते हैं साउथ चाइना सी। उसके बाद ये पहुंचे चाइना या फिर साउथ कोरिया और जापान। ये है साउथ चाइना का एरिया, ध्यान से देखिए इस एरिया को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साउथ चाइना सी में इसके जो बाउंड्री पे, बॉर्डर पे जो कंट्री हैं वो कौन कौन से हैं? ऊपर चाइना है, इधर है वियतनाम, फिर इधर है फिलीपींस, नीचे है मलेशिया और इंडोनेशिया, और इस तरफ है ताइवान। ताइवान एक अलग देश है जिसकी राजधानी ताइपी है, और बीच में पड़ता है ये विशाल महासागर जिसे बोलते हैं साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी के अंदर ये आप टापू देख सकते हैं, ये वाले जो आइलैंड है इन्हें बोलते हैं पैरासेल, PARACEL। इसके नीचे हैं स्प्रैटलिस, स्प्रैटलिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और तीसरे हैं स्कारबोरो आइलैंड, स्कारबोरो आइलैंड शोआल, स्कारबोरो शोआल आइलैंड, जो कि फिलीपींस के नजदीक है। ये फिलीपींस के नजदीक है स्कारबोरो शोआल। तो ये कई आइलैंड हैं साउथ चाइना सी के अंदर। तो देखते हैं क्या समस्या चल रही है। मुख्य समस्या ये है, साउथ चाइना सी पे हर कंट्री अपना कब्जा जमाना चाहता है। फिलीपींस भी, वियतनाम भी, ताइवान भी कुछ हिस्सा चाहता है, मलेशिया इंडोनेशिया भी कुछ हिस्सा चाहते हैं। साउथ चाइना सी के जो ये टापू हैं इन पे हर कोई अपना आधिपत्य जमाना चाहता है। और क्यों? क्योंकि साउथ चाइना सी खनिज का भंडार है, मिनरल्स का भंडार है। और दूसरी बात, साउथ चाइना सी पर जो कब्जा करेगा वो जो पूरा ट्रेड का रास्ता है, क्योंकि एक ही रास्ता है चाइना, जापान, साउथ कोरिया, तो साउथ चाइना सी को जो कंट्रोल करेगा वो बहुत ज्यादा कमर्शियल एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा। देखते हैं कैसे। पहले इसका थोड़ा इतिहास जानते हैं साउथ चाइना सी का। जिया और हन ये चाइना में राजवंश थे जो राज करते थे, और चाइना कहता है कि 2000 से 4000 साल पहले जब ये राज करते थे तब साउथ चाइना सी पर भी ये वंश राज किया करते थे। 9-9 चाइना ने एक बनाई हुई है। इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए, इसमें मैंने रेड कलर के ये 9 मार्क बनाए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये से बोलते हैं 9-9, 9 डैश बनाए हुए हैं। यानी ज्यादातर जो साउथ चाइना सी का हिस्सा है, चाइना कहता है कि जो 9 डैश लाइन है ये हमारी है, लेकिन दूसरे कंट्री इसे रिकॉग्नाइज नहीं करते। यूएन क्लॉज यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने साउथ चाइना सी का मुद्दा सुलझाने की कोशिश की। एक बार उन्होंने इसको, साउथ चाइना सी को बंटवारा किया कई देशों के अंदर, लेकिन जो बंटवारा किया उससे ज्यादातर देश नाखुश है। यूएन क्लॉज को बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। 21 सेंचुरी के अंदर अभी लेटेस्ट क्या चल रहा है साउथ चाइना सी में? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट बन चुका है। सारे जो जहाज हैं वो तेल लेकर इसी रास्ते से जाते हैं, इसीलिए हर देश साउथ चाइना सी को अपने अंदर मिलाना चाहता है। आर्ग्यूमेंट जो है साउथ चाइना सी में वो किस बारे में है? सबसे पहला जो 9 डैश लाइन है, चाइना कहता है कि ये हमारी है, 9 डैश लाइन के अंदर समुद्र का जितना भाग है वो हमारा है, लेकिन कोई भी देश इसे नहीं मानता। दूसरा, जो मुख्य दो टापू हैं, एक है स्पार्टले और दूसरा है पैरासेल, जो मैं आपको डायग्राम में दिखा चुका हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर कंट्रीज इन्हीं दो को लेकर लड़ रहे हैं। तो देखते हैं इनके बीच में क्या लड़ाई हो रही है। ये है पैरासेल और स्पार्टले, इनको लेके क्या लड़ाई है? इनको लेके लड़ाई ये है, चाइना कहता है कि पूरा का पूरा साउथ चाइना सी मेरा है, इसकी डिमांड बिल्कुल क्लियर है। चाइना कहता है इसका नाम ही है साउथ चाइना सी, यानी कि चाइना का है। यही चाइना ने क्लेम किया जब फिलीपींस ने केस कर दिया था चाइना के ऊपर। वियतनाम कहता है कि जो स्पार्टले और पैरासल टापू हैं वो 17वीं शताब्दी से हमारे हैं। फिलीपींस कहता है कि जो स्कारबोरो शोआल आइलैंड है वो हमारे हैं, क्योंकि वो हमारे बिल्कुल पास है। फिलीपींस चाइना की मनमानी से परेशान हो गया था, उसने अंतर्राष्ट्रीय अदालत का दरवाजा खटखटाया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसका हेडक्वार्टर है हॉलैंड के अंदर, एक जगह है जिसको बोलते हैं हाग। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है नेदरलैंड या हॉलैंड में हाग के अंदर। फिलीपींस ने इसका दरवाजा खटखटाया अदालत का, और इस अदालत ने चाइना को पीछे हटने को कहा। उन्होंने कहा कि साउथ चाइना सी पर आपका सिर्फ हिस्टोरिकल जो क्लेम है, जो आप कहते हैं कि हमने 9-9 बनाई हुई है, उस पर कोई अधिकार नहीं है। फिलीपींस ये केस जीत गया। उसके बाद मलेशिया भी इसमें बहुत सारा हिस्सा साउथ चाइना सी में अपना क्लेम करता है, खासकर स्पार्टले ग्रुप का, क्योंकि जो स्पार्टले के टापू है वो मलेशिया से थोड़ा सा पास है। और ब्रुनई, एक छोटा सा देश है ब्रुनई, वो भी साउथ चाइना सी में अपना थोड़ा सा हिस्सा मांगता है। यानी चारों तरफ साउथ चाइना सी ऐसे देशों से घिरा हुआ है जो चाइना का जो डोमिनेशन है साउथ चाइना सी में उसे कंटेस्ट करते हैं, उसे नहीं मानते। अब
साउथ चाइना सी में क्या चल रहा है, वियतनाम, ताइवान और फिलीपींस, इन्होंने जो साउथ चाइना सी के अंदर टापू हैं उन पे थोड़ा थोड़ा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया है, अपनी सेनाएं यहां पर लगा दी है। और चाइना ने पिछले खासकर 18 महीनों के अंदर बहुत सारी कंस्ट्रक्शन यहां पे की है। इनफैक्ट चाइना कुछ आर्टिफिशियल टापू भी यहां पर बना रहा है, जिससे जो समुद्र का इकोसिस्टम है, जो वहां के वनस्पति और जानवर है, वो डिस्ट्रॉय हो रहा है इकोसिस्टम, और ये एक और एनवायरमेंटल कंसर्न है। चाइना ने भी अपनी बहुत सारी मिलिट्री साउथ चाइना सी के अंदर लगा रखी है, खासकर चाइना ने अपनी जो नेवी है, जो जल सेना है, वो लगा रखी है। अब चाइना साउथ चाइना सी पर आधिपत्य क्यों जमाना चाहता है, चाइना क्यों चाहता है कंट्रोल करना साउथ चाइना सी को? सबसे पहला ये ट्रेड रूट है, जैसा हम देख चुके हैं। तो अगर ये ट्रेड रूट है और ये एकमात्र ट्रेड रूट है जो चाइना भी जाता है या फिर जापान भी जाता है, तो जापान चाइना का सबसे बड़ा दुश्मन है। हालांकि दोनों देशों के बीच में हर साल $350 बिलियन का ट्रेड अभी होता है, लेकिन चाइना और जापान सबसे बड़े एडवर्सरी हैं। तो चाइना जापान की भी कल को अगर साउथ चाइना सी को कंट्रोल करेगा तो जापान की पूरी सप्लाई काट सकता है, जापान का जो ट्रेड रूट है मिडल ईस्ट से और एशिया से वो काट सकता है। दूसरी बात, चाइना जो साउथ चाइना सी है, इसका जो तल है, इसका जो धरातल है, समुद्र के नीचे बहुत सारे तेल के भंडार है, नेचुरल गैस के भंडार है। तो ये हजारों लाखों करोड़ रुपए का मुनाफा चाइना नहीं खोना चाहता। साउथ चाइना सी पर कब्जा करने का मतलब ये है कि साउथ चाइना सी के जितने भी खनिज हैं, मिनरल्स हैं, जो नेचुरल गैस के भंडार हैं, ऑयल के भंडार हैं, उन पर चाइना का दबदबा हो जाएगा। लेकिन अमेरिका क्या कर रहा है, अमेरिका चाइना को काउंटर करना चाहता है, चाइना को दबाना चाहता है। इसीलिए अमेरिका चाइना के जो दुश्मन है, जैसे भारत, जैसे जापान, जैसे वियतनाम, उनके साथ मिलकर स्ट्रेटेजी बना रहा है। अमेरिका वियतनाम और फिलीपींस को टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहा है, मिलिट्री हार्डवेयर प्रोवाइड कर रहा है, जिससे वो अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा सके। इसके अलावा अमेरिका भारत और जापान के साथ मिलकर इंडियन ओशन के अंदर नेवल एक्सरसाइज भी करता है, जिसे बोलते हैं मालाबार एक्सरसाइज। ये चाइना के लिए बहुत बड़ा सरदर्द बन गया है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि चाइना सीपीईसी क्यों बनाना चाहता है। एक जो रास्ता है जहाजों के लिए, ट्रेड रूट है, वो बहुत ही ज्यादा लंबा है। दूसरा, इस रास्ते में भी साउथ चाइना सी की जो प्रॉब्लम है उससे चाइना परेशान है। इसीलिए चाइना एक ऐसा रास्ता चाहता है जिससे ये सारी दिक्कतें ना हो, और उसके लिए सबसे अच्छा है पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से पाकिस्तान को क्रॉस करता हुआ चाइना काशगार तक ये रास्ता ले ले। ये छोटा भी पड़ेगा और साउथ चाइना सी की प्रॉब्लम भी नहीं होगी, इसमें चाइना का खर्चा भी बहुत कम होगा। और चाइना मिडल ईस्ट से ज्यादा अच्छे संपर्क बना पाएगा, एशियन कंट्री से, जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, इससे ज्यादा अच्छा अपना व्यापार बढ़ा पाएगा। ये चाइना का जो वन बेल्ट वन रोड पॉलिसी है जो चाइना बनाना चाहता है, उसका भी हिस्सा है, इसलिए चाइना के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाइना का जो पश्चिम हिस्सा है, वहां तक आसानी से ट्रेड रूट चाइना अपने ईस्टर्न पार्ट में ले जा पाएगा, और चाइना अपना जो वेस्टर्न एरिया है, जहां पर सिर्फ 6% आबादी रहती है, उसे भी डेवलप कर पाएगा। क्योंकि जो ट्रेड रूट है, अब पहले तो ईस्ट चाइना तक था, इसलिए ज्यादातर जो आबादी थी इस एरिया में बस गई, लेकिन जब इस एरिया में भी चाइना का संपर्क होगा मिडल ईस्टर्न कंट्री से और बाकी सेंट्रल एशियन कंट्री से, तो चाइना का ये वाला पार्ट भी डेवलप होगा, इंडस्ट्रियलाइज हो पाएगा। इसीलिए चाइना बनाना चाहता है सीपीईसी। चलिए इस पर अब देखते हैं भारत क्या करे और भारत की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अगर हम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को ध्यान से देखें, तो ये पहले तो बलूचिस्तान से होकर गुजरता है, और जब ये चाइना में एंटर करता है, उससे पहले ये वाला जो एरिया है, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, इसे गिलगित बल्टिस्तान का एरिया कहते हैं। ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा है, याद रखिए, ये टेक्निकली भारत का हिस्सा है। आप इसे डिस्प्यूटेड एरिया बोल सकते हैं। तो डिस्प्यूटेड एरिया अगर है, तो पाकिस्तान को किसने ये अधिकार दिया कि वो चाइना को ये इजाजत दे कि वो यहां से रास्ता बनाए? इसमें भारत अगर नहीं चाहेगा तो यहां से रास्ता पाकिस्तान चाइना नहीं बना सकते। इस एरिया को पाकिस्तान ने मिलिट्रली ऑक्यूपाई किया हुआ है, इस पर अपनी सेना से जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है, इसे पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है और भारत पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहता है। ये रास्ता यहां से होके जाता है, यानी भारत के एक एरिया से होके जाता है, इसीलिए भारत की परमिशन के बिना सीपीईसी नहीं बन सकता। दूसरी बात, अगर चाइना का यहां पे कंट्रोल बढ़ेगा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, तो भारत के लिए अच्छी बात नहीं है। भारत को फिर पाकिस्तान और चाइना दोनों से एक साथ निपटना पड़ेगा, जो भारत के लिए बहुत बड़ा, हमारी सुरक्षा के लिए खतरा है। तो यह है पहला खतरा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर। दूसरा सबसे बड़ा खतरा भारत के लिए यह है कि ग्वादर पोर्ट से सिर्फ 72 किलोमीटर की दूरी पर भारत अपना पोर्ट बना रहा है, डेवलप कर रहा है ईरान के अंदर। यह है पाकिस्तान, यह है अफगानिस्तान और यह है ईरान।
तो अफगानिस्तान से होता हुआ एक रास्ता है जो ईरान को ट्रेवल करता हुआ यहां पर आता है समुद्र के पास, इसे बोलते हैं छाबार बंदरगाह। छाबार बंदरगाह भारत बना रहा है, भारत डेवलप कर रहा है। ईरान के अंदर भारत $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहा है और अफगानिस्तान के अंदर भारत लगभग $300 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अफगानिस्तान से भारत के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, भारत का बहुत क्लोज फ्रेंड है अफगानिस्तान और भारत का एक अच्छा दोस्त है ईरान। $300 मिलियन की इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान के अंदर कर रहा है। नरेंद्र मोदी अफगानिस्तान से रिश्ते बढ़ा रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि अफगानिस्तान और ईरान की मदद चाहिए अगर हमें ग्वादर पोर्ट को काउंटर करना है। तो अफगानिस्तान और ईरान, अफगानिस्तान में बहुत सारे जो खनिज हैं उनके भंडार हैं, ऑयल के रिजर्व्स हैं, नेचुरल गैस के रिजर्व्स हैं जो भारत को चाहिए, लेकिन अफगानिस्तान से भारत ट्रेड नहीं कर पाता क्योंकि बीच में पाकिस्तान आता है, इसीलिए ये रूट भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत छाबार पोर्ट बना रहा है और छाबार पोर्ट और ग्वादर पोर्ट दोनों बहुत ही पास है, सिर्फ 72 किलोमीटर का डिस्टेंस है दोनों के बीच में। और अगर ग्वादर पोर्ट में चाइना को एंट्री मिल गई, ये जैसा कि सीपैक के थ्रू मिल जाएगी, तो ग्वादर पोर्ट पे अगर चाइना बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया, जो चाइना है वो ग्वादर पोर्ट पर अपनी नेवी बढ़ा सकता है और भारत की जो मिडल ईस्ट से सप्लाई है वो कट कर सकता है, क्योंकि भारत के लिए भी जो रूट है वो यही है। ये जो रूट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, चाइना इसे कंट्रोल कर सकता है और भारत की पूरे मिडल ईस्ट से सप्लाई काट सकता है, क्योंकि भारत की जो सप्लाई है वो इसी रूट पर डिपेंड करती है। तो ग्वादर पोर्ट पर चाइना की अगर प्रेजेंस बढ़ती है तो ये भारत के लिए दूसरा बहुत बड़ा खतरा है। भारत अपनी दोस्ती अफगानिस्तान से बढ़ा रहा है और सलमा डैम भारत ने अभी अभी इनॉग्रेट किया है अफगानिस्तान के साथ, और हेरात के अंदर $300 मिलियन की इन्वेस्टमेंट हाइड्रो पावर प्लांट भारत बना रहा है। इसके अलावा ईरान में $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहा है भारत, ईरान से अपने रिश्ते और अच्छे करने के लिए। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू पे आते हैं, बलूचिस्तान। पाकिस्तान का मैप इसके लिए आपको जानना पड़ेगा, ये है पाकिस्तान का पॉलिटिकल मैप, ये है बलूचिस्तान, ये पूरा जो ब्राउन कलर में है ये है बलूचिस्तान, ये है नीचे सिंध जिसकी राजधानी है कराची, ये है पंजाब, पाकिस्तान वाला पंजाब है, ये भारत के पंजाब से बहुत बड़ा है, ये है पाकिस्तान का ट्राइबल एरिया, आदिवासी एरिया जिसे कहते हैं फाटा, फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरिया, और ये है नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर, और ये जो एरिया है ये है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। अब जो पोर्ट आएगा वो कैसे आएगा, ये ग्वादर पोर्ट है, ये आएगा बहुत सारे पहाड़ों को क्रॉस करके, सुलेमान के पहाड़ों को क्रॉस करके कैटा होता हुआ आगे, और फिर ये जाएगा चाइना, यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होता हुआ भी जाएगा और बलूचिस्तान से होता हुआ भी जाएगा। अब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर तो हमने देख लिया, लेकिन बलूचिस्तान हमने नहीं देखा, तो बलूचिस्तान के बारे में थोड़ा जानते हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का 44% एरिया है, लेकिन सिर्फ 5% पाकिस्तान की आबादी रहती है बलूचिस्तान में। याद रखिए, बलूचिस्तान पर जो पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है वो गैर कानूनी है। पाकिस्तान जब बना, जब अलग देश बना 1947 में, जब भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग हो गए, तो पाकिस्तान के साथ जो बलूचिस्तान है ये इंडिपेंडेंट था, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी मिलिट्री भेजकर जबरदस्ती बलूचिस्तान को इस पे कब्जा जमा लिया और बलूचिस्तान तब से पाकिस्तान के अधीन है। बलूचिस्तान जो है यहां पर बहुत ज्यादा जो नेचुरल गैस मिनरल्स इसके भंडार है, पूरी पाकिस्तान की इकोनॉमी बलूचिस्तान सपोर्ट करता है, और बलूचिस्तान में जो लोग रहते हैं जैसे बलोच पश्तून, इनको बहुत ज्यादा गरीबी के अंदर रखा जाता है। बलूचिस्तान पे जो कब्जा है पाकिस्तान का वो गैर कानूनी गैर अधिकृत है, और बलूचिस्तान में ह्यूमन राइट्स बहुत वायलेशन बहुत ज्यादा है, यानी मानवाधिकारों का हनन बहुत ज्यादा होता है, वहां के जो लीडर है उन्हें जान से मार दिया जाता है। इनफैक्ट बलूचिस्तान को आजाद करवाने के लिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, जिनमें सबसे मुख्य है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, और पार्टी है जिसको बोलते हैं बलूचिस्तान रिपब्लिकन पार्टी। बलूचिस्तान रिपब्लिकन पार्टी के जो नेता हैं अकबर बुगती, उनको 2006 में पाकिस्तान आर्मी ने मार डाला, और इनके जो पोते हैं ब्रह्मद और बुगती, वो अब यहां से जान बचाकर भागे हुए हैं और विदेश में रहते हैं। तो पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में जिस तरह से ह्यूमन राइट्स वायलेशन किए हुए हैं वो बहुत ही ज्यादा है, मानवाधिकारों का जो हनन है वो बहुत ज्यादा है। इसके अलावा बलूचिस्तान आजादी के लिए पुकार रहा है। नरेंद्र मोदी ने अभी अभी एक बहुत अच्छी चीज की, अपना जो लाल किले से एड्रेस दिया 15 अगस्त में, उसमें बलूचिस्तान को सपोर्ट किया और बलूचिस्तान में एक नई जान इसमें आ गई है। बलूचिस्तान में कुछ इंटर ट्राइबल कंफ्लिक्ट भी होते हैं, यानी बलूचिस्तान में जो शिया और सुन्नी है उनके बीच भी काफी ज्यादा विवाद होता है, काफी ज्यादा लड़ाइयां होती हैं। ज्यादातर जो बलूचिस्तान में मुस्लिम है वो सुन्नी है, लेकिन कुछ शिया भी हैं, और तालिबान से कुछ जो लड़ाके भागकर बलूचिस्तान आ गए थे वो अलकायदा ग्रुप के थे, और अलकायदा आप जानते हैं सुन्नी आतंकवादी संगठन है। तो इन्होंने जो शिया है वहां पर काफी मारकाट की, काफी ज्यादा उनकी जो मस्जिदें थी वो तोड़ी और उनके लोगों को मारा।
बलूचिस्तान में इसके अलावा जो बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं उनका सरेआम कत्लेआम पाकिस्तान करता है। इसीलिए बलूचिस्तान के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए जरूरी है कि भारत बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए लड़े, और अगर बलूचिस्तान आज़ाद हो गया तो CPEC बनने का जो सपना है वो सपना ही रह जाएगा। यानी बलूचिस्तान को जो इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट पाकिस्तान करता आ रहा है, भारत को उसे रोकना चाहिए। यह है बलूचिस्तान एरिया। बलूचिस्तान ज़्यादातर डेजर्ट एरिया है, डेजर्ट या पहाड़ों का एरिया है। बहुत सारे यहाँ पहाड़ हैं, जैसे रस्को के पहाड़ हैं, जैसे ब्राहूर, किरहार, मकरन के पहाड़ हैं, या फिर सुलेमान के पहाड़ हैं, जिनसे होकर बोलन पास के थ्रू इसकी राजधानी कैटा के अंदर जाना पड़ता है। तो ये एक जो रास्ता है ये इतना आसान नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, CPEC को बनाने के लिए बहुत सारे आतंकवादी संगठन है पाकिस्तान में जो इसको नहीं बनने देना चाहते। उनकी शर्त है कि अगर ये बनने दिया जाएगा तो फिर उनमें उसका भी हिस्सा होना चाहिए। तो जैसे हकानी नेटवर्क है, जमात उद दावा है, बहुत सारे ऐसे आतंकवादी संगठन हैं जो इसमें अपना हिस्सा मांगेंगे, इसलिए ये बनना इतना आसान नहीं है। इनफैक्ट चाइना इस पर पुनर्विचार भी कर रहा है, क्योंकि इसकी जो कॉस्ट है बनाने की वो भी बहुत ज़्यादा है, $46 बिलियन, और इसके लिए जो पाकिस्तान की मिलिट्री है उसे आतंकवादियों के साथ नेगोशिएशन भी करना पड़ेगा। तो कुछ इसमें रुकावटें भी आ रही हैं, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। तो समअप करते हैं, सबसे पहला मुद्दा है बलूचिस्तान का। भारत को पाकिस्तान को अगर सबक सिखाना है तो सबसे पहले बलूचिस्तान में जो बलोच रिबेल हैं उनको बढ़ावा देना होगा। बलूचिस्तान में एक नहीं ऐसे हजारों वीडियोस बरामद हुए हैं जिनमें वहां पे पाकिस्तान की मिलिट्री कत्लेआम कर रही है, वहां के लोगों को टॉर्चर कर रही है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बलूचिस्तान आज पाकिस्तान की इकोनॉमी को सपोर्ट करता है। बलूचिस्तान के जितने भी मिनरल्स हैं, नेचुरल गैस हैं, पेट्रोल के भंडार हैं, वो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं, जबकि बलूचिस्तान की जो पब्लिक है, बलूचिस्तान में रहने वाले जो लोग हैं, जो ट्राइबल लोग हैं, वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में, गरीबी के अंदर रहते हैं। बलूचिस्तान में ऐसी ऐसी ग्रेव्स मिली हैं, ऐसे दफन करने वाले स्थल मिले हैं जहां से हजारों कंकाल बरामद हुए हैं जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। बलूचिस्तान में बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिनको मौत के घाट उतारा गया है, जैसे अकबर बुगती। और इस वक्त नरेंद्र मोदी ने जो सबसे अच्छी चीज की वो ये की कि लाल किले से बलूचिस्तान को सपोर्ट किया। बलूचिस्तान आज भारत की तरफ बड़ी उम्मीदों से देख रहा है। बलूचिस्तान की इस पुकार को भारत को सुनना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा इशू है चाइना का। चाइना से भारत को जो खतरा है वो बढ़ जाएगा, ग्वादर पोर्ट पर भी, छबार पोर्ट को जो काउंटर करेगा चाइना उस पर भी, और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर भी। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा है तो फिर भारत क्यों इजाजत दे। और एक दूसरा व्यू भी है, वो ये है कि भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि हमें शांति वार्ता पाकिस्तान से रखनी चाहिए, चाहे पाकिस्तान भारत में कितना भी टेररिज्म करे, लेकिन बातचीत का दरवाजा हमेशा खुला रखना चाहिए। अगर CPEC बनेगा तो पाकिस्तान इकोनॉमिकली बहुत मजबूत हो जाएगा, और अगर पाकिस्तान बहुत इकोनॉमिकली मजबूत हो जाएगा तो वहां पर टेररिज्म उल्टा कम हो जाएगा, क्योंकि विकसित देशों में टेररिज्म रिलेटिवली कम होता है। इसीलिए अगर पाकिस्तान डेवलप हो गया तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो रिश्ते हैं वो बहुत अच्छे हो जाएंगे। आपको क्या लगता है, क्या भारत को जो बलूचिस्तान के अंदर मानवाधिकारों का हनन हो रहा है वो पूरी दुनिया को उसके बारे में उजागर करना चाहिए, उन्हें जागरूक करना चाहिए, और बलूचिस्तान की आजादी के लिए बलूचिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना चाहिए, या फिर भारत को CPEC बनने देना चाहिए? आपके जो भी विचार हैं आप उसे कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ये भी कमेंट्स में लिख के मुझे बता सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं सरल भाषा में इस तरह के मुद्दे भविष्य में भी आप तक बनाता रहूं तो वो भी आप लिख सकते हैं। दिस इज डॉक्टर गौरव गर्ग, आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।